दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान में। मैं राहुल आर्य लेकर आया हूं आपके लिए आज एक नई वीडियो, जिसमें हम जानेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापित विभिन्न विषयों के बारे में। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय अर्थात उत्तराखंड राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजकीय महाविद्यालयों के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके प्रकाशन की तिथि जो है वो 4 दिसंबर 2021 और आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 24 दिसंबर 2021। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा उत्तराखंड राज्य में राजकीय महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 24 दिसंबर 2021 है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे किस विषय में कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि हिंदी विषय के लिए यहाँ पर कुल 33 वैकेंसी है, इंग्लिश अंग्रेजी विषय के लिए यहाँ पर 52 रिक्तियाँ हैं, संस्कृत विषय के लिए यहाँ पर 19 हैं, भूगोल के लिए भी यहाँ पर 19 वैकेंसी है, इसी तरह से अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के लिए भी यहाँ पर 42 वैकेंसी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 26 विषयों के अंदर और कुल 455 वैकेंसी निकाली गई है। तो आप ये बहुत ज़्यादा, एक तरह से हम देखें तो बहुत अधिक वैकेंसियां हैं, 26 विषयों में 455 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो जो लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं, और जो इसको अच्छे से देखना चाहते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को, वो इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एकेडमिक क्राइटेरिया दे रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एमफिल पीएचडी के 25 नंबर मिलेंगे, नेट जेआरएफ सेट के 10 नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, इसी तरह से अन्य यहाँ पर कुल 100 अंकों का यहाँ पर एपीआई स्कोर बनाया गया है। तो इसके लिए आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा के विषय में लिखा हो कि आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो और ये जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का प्रक्रिया दे रखी है कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाना है और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको आवेदन करना है, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये सामान्य निर्देश यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में दे रखे हैं आपके लिए, और ये यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सह विषयों की सूची दे रखी है कि अगर किसी में सह विषय भी है तो हिंदी के लिए जो है वो भी 3 सह विषय दिए हुए हैं, अंग्रेजी के लिए और संस्कृत के लिए कोई सह विषय नहीं है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ये दे रखे हैं कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए अर्थात साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिन विषयों में 1 से 5 तक वैकेंसी है उनमें 6 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और जिन विषयों में जो है 6 से 10 के बीच में वैकेंसी है उनमें 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और जिसमें 11 से ज़्यादा वैकेंसी है उसमें 4 गुना ही कैंडिडेट को वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए एक शैक्षणिक जो वैकेंसी निकली है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से उत्तराखंड राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनकी एक छोटी सी जानकारी। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विभाग की आयोग की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।